यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री विद्या योजना कोचिंग के स्टार्टिंग में बरेली अभ्युदय योजना के तहत यहाँ पर बरेली में अभ्युदय योजना की जो है शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप यहाँ के कैंडिडेट हैं तो इसके सारी जानकारी पाने के लिए सेंटर वगैरह की कहाँ पर बने हुए हैं और किन जो लोगों को प्रशिक्षित यहाँ पर किया जा रहा है, पूरी जानकारी को वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक एवं सब्सक्राइब ना भूलें। साथ ही दोस्तों ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम चैनल लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे कोई भी वीडियो वंचित रह जाती है तो आप उसकी मदद से वीडियो को वॉच कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आगे आप सभी को जिस भी जिले से नोटिफिकेशन हमें मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित कर बताते रहेंगे किन जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं और आप उन सेंटरों पर डायरेक्टली जो है पहुँच करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं अपने एरिए की। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी कोचिंग योजना का कमिश्नर ने शुरू किया सेकेंड सत्र, यानी कि ये सेकेंडवा सत्र है, दूसरा सत्र है अभ्युदय योजना की तरफ से। स्टार्टिंग इसका जो है बसंत पंचमी के दिन फरवरी में स्टार्ट हुआ था पहला बैच के साथ और इसका जो है अब सेकेंड बैच यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख लेते दोस्तों पूरी जानकारी, आपको यहाँ पर डेट दिखा दें तो 25 नवंबर है और यहाँ पर देख लेते दोस्तों कि अब बरेली और सफलता तभी मिलती है जब लक्ष्य निर्धारित हो। जिस अभ्यर्थी को कैरियर के प्रति प्रतिबद्धता होगी उसे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है अपने सभी वीडियो में कि ये योजना जो है अब जिला स्तर पर बनाई जा रही है, जिसके वजह से यहाँ पर सभी देरियाँ हो रही हैं। तो जिन भी जिले स्तर पर सारी तैयारियाँ पूरी हो जाती हैं उन जिलों में जो है अभी योजना की शुरुआत कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने भी कहा कि अभी तक यह योजना केवल मंडल पर आधारित था लेकिन इस योजना की सफलता के कारण अब इसे जनपद स्तर पर भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली में इस योजना का विशेष योगदान रहा है क्योंकि यहाँ से एक अभ्यर्थी ने इसी योजना से पढ़ाई कर IIT इंदौर में एडमिशन किया है। तो इस सत्र में जो कैंडिडेट यहां पर चयनित हुए हैं जिस भी कोर्स के लिए 77 NDA और CDS के लिए चयनित हुए हैं, 84 NEET के लिए और 38 JEE के लिए और 645 जो है UPSC के लिए। टोटल यहां पे अभ्यर्थी टोटल हो जाते हैं आपके 844 अभ्यर्थी यहां पर जो है सिलेक्ट हुए हैं बरेली मंडल के थ्रू। तो यहां पर जो सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों वो जो है बरेली कॉलेज सभागार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बरेली कॉलेज में ही ये सेंटर जो है स्थापित किया गया। तो बरेली कॉलेज सभागार में अभ्युदय योजना के द्वितीय सत्र के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, सफलता तभी प्राप्त होती है जब लक्ष्य निश्चित होता है। जिस अभ्यर्थी के अंदर अपने कैरियर को लेकर के प्रतिबद्धता होगी उसे एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको मैं दो जो है विद्यालयों के नाम बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप जाकर के यहाँ पर जो है अपना कन्फर्मली जो है यह पता कर पाएंगे अपना जो है। अगर आपको अभी तक कॉल नहीं आया तो आप वहाँ से अपना पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। देखिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ जो है GIC बरेली कॉलेज और यहाँ पर जो है रोहेलखंड विश्वविद्यालय, ये दो कॉलेज हैं जिनमें आप जाकर के इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर नाम को जान लें, GIC बरेली कॉलेज और रोहेलखंड विश्वविद्यालय में हुआ है। तो इन जो है जगहों पर आप जाकर के जो है आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको अभी भी कोई कॉल नहीं आया है बरेली मंडल के वालों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो वो लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी जिले के में अन्य वीडियो यहाँ पर मिलती है, जानकारी मिलती है, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सूचित करेंगे। सो वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब न भूलें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।